नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में चुनाव प्रचार अंतिम पड़ाव पर है और आखिरी दो दिनों में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां होंगी। वहीं आज फिर सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार करते हुए राजस्थान में नजर आएंगे और सीएम के शेड्यूल के मुताबिक जोधपुर शहर, बीकानेर, नागौर में चुनावी जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ सकते हैं। तो राजस्थान में चुनावी प्रचार करते हुए आज एक बार फिर सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, जहां बीते दिनों चार जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर जमकर हमलावर नजर आए, तो आज फिर से राजस्थान में चुनावी दमखम दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबनम, देखिए जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार राजस्थान में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार वो धुआंधार रैलियों के जरिए जनता को संबोधित कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या बड़ा बदलाव उनकी रैलियों के जरिए आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीति में आज दो ही लोगों का जो जादू है वो सच चढ़कर बोल रहा है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की एक ईमानदार छवि और साथ साथ अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश की क्या देश के सभी प्रदेशों की जनता बार बार कहती है कि हमारे भी प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री जब राजस्थान की धरती पर उतरता है, जहाँ की केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अत्याचार का बोलबाला है और धार्मिक उन्माद चरम पर है। आपने देखा किस तरीके से कन्हैया लाल का गला काट दिया गया, आपने देखा कि भ्रष्टाचार जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो मुख्यमंत्री वहां के तमाम ऐसे बयान देते हैं जिससे कि महिलाएं शार हो जाती हैं। ऐसे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब जाएंगे और उनके भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खोलेंगे और जो अत्याचार सरकार कर रही है, जो सरकार की उदासीनता है जनता के प्रति, उसको देखने के बाद जनता जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देखेगी और उनको सुनेगी तो निश्चित तौर पर वो जादू और वो हकीकत जनता के सर चढ़कर वोट के माध्यम से बोलेगा। देखिए शबनम जी, आपने अभी जिक्र किया कि इस वक्त पूरे देश भर में दो ही नेताओं का मैजिक चल रहा है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या 2024 का चुनाव भी इन्हीं दोनों के दम पर बीजेपी लड़ेगी? देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी पार्टी अपने नेता जिनकी छवि बहुत ही साफ सुथरी है और जिनकी छवि से मंत्रमुग्ध हो जनता, उस चेहरे को सामने लाती है और साथ साथ जो सरकार का काम हो, चाहे प्रदेश में हो या देश में हो, वो भी जनता के मुख पर लगातार आप सुनेंगे। लगातार जनता ये समझती है कि जो अंत्योदय की बात हम करते थे, हमने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आवास, घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, खाद्य सामग्री, तमाम ऐसी सुविधाएं दी हैं और तमाम उनकी आशा और आकांक्षाओं को पूरा किया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शबनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आज जयंती मनाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत देश और राज्य के बड़े बड़े नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को आज याद किया है और नेताजी की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से हजारों लोग सैफई में जुटेंगे। कार्यक्रम में 30,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। वहीं मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उनके समाधि स्थल पर विश्व स्तरीय स्मारक का शिलान्यास सपा प्रमुख अखिलेश यादव करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। 8.3 हेक्टेयर में करोड़ों रुपए की लागत से स्मारक तैयार किया जाएगा। स्मारक के शिलान्यास के कार्यक्रम में देश भर के कई नामी लोगों के आने की संभावना है और बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने सोमवार को स्मारक के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लिया है। तो मुलायम सिंह यादव की आज जयंती मनाई जा रही है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी
एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और सैफई में बेहद ही भव्य तरीके से ये जयंती मनाई जाएगी, जिसके लिए खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सैफई पहुंच चुके हैं। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता और साथ ही देश भर से कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वही अखिलेश यादव ने नेताजी के स्मारक का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि यूपी के सैफई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उनके स्मारक का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सपा कार्यकर्ता आज जयंती मना रहे हैं और जयंती कार्यक्रम में समाधि स्थल के पास एक विशाल मंच भी बनाया गया है। मंच के नीचे ही प्रयागराज के सपा कार्यकर्ता की टीम ने नेताजी के चित्र की विशाल रंगोली बनाई, साथ ही पूरे कार्यक्रम स्थल के आसपास नेताजी से जुड़ी हुई पुरानी तस्वीरें भी लगाई गई है और कार्यक्रम स्थल पर 10,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं और इस कार्यक्रम में करीब 25 से 30,000 लोगों के आने की संभावना है। और इस जयंती के मौके पर समाधि स्थल पर मुलायम सिंह यादव का एक विश्व स्तरीय स्मारक का शिलान्यास अखिलेश यादव अब कर चुके हैं। ओवैस, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए, अखिलेश यादव ने नेताजी के स्मारक का शिलान्यास किया है, चूंकि आज अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सैफई में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और क्या कुछ आज देखने को मिलेगा सैफई में? आपको बताना चाहूंगा कि आज मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर 8:30 बजे इनके आवास पर यज्ञ रखा गया था और उसके बाद जो समाधि स्थल है सैफई महोत्सव में सैफई जो आपका समाधि स्थल है इसमें तमाम जो इनके परिवार के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुण्यतिथि के अवसर पर राम गोपाल वर्मा, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, ब्रिजेश यादव और जो तमाम जो दिग्गज नेता है और जो परिवार के लोग हैं वो मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर समाधि स्थल पर सैफई महोत्सव में पहुंच रहे हैं। जी देखिए, लेकिन ओवैस, लगातार हम इस तस्वीरों का भी जिक्र कर रहे हैं जहां अखिलेश यादव आज सैफई में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती को मनाते हुए नजर आते हैं। तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता इस वक्त सैफई में मौजूद हैं। वही अखिलेश यादव ने नेताजी के स्मारक का शिलान्यास किया है। इस स्मारक की बड़ी बातें क्या है ओवैस? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो नेता है, नेता मुलायम सिंह यादव जो है समाजवादी पार्टी की ही ने नींव रखी है और इनको लेकर जो अखिलेश यादव है इन्हीं ने जो है शिलान्यास किया है। तो शिलान्यास की अगर मुख्य अहम बातें मैं बताऊं तो जो अपने परिवार के और इनकी जो रक्षा मंत्री रहे हैं और तमाम राजनीतिक जो इनका जो जीवन रहा है उसमें काफी इन्हीं ने जो है संघर्ष किया है, काफी नाम इन्हीं ने किया है कि हालांकि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हालांकि इनके बेटे भी अखिलेश यादव खुद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर इसमें अहम बातों की आप बात करिए तो इसमें बहुत सी अहम बातें जिसको लेकर आज यहाँ पर जो है अखिलेश यादव ने शिलान्यास किया है। जी बिल्कुल, देखिए ओवैस, अगर हम साफ तौर पर ये माने कि मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव चलते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से हर एक चुनावी प्रचार में अखिलेश यादव अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लाजमी है कि लगातार वो सपा का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या दिवंगत मुलायम सिंह की याद में आज जो ये कार्यक्रम सैफई में आयोजित हो रहा है उसमें क्या विपक्षी दल का भी कोई नेता शिरकत कर रहा है, इसको लेके क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव जो मुलायम सिंह के यादव की जो राजनीति है उसमें नक्शे कदम पर चल रहे हैं और जो नेता हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी जो है अखिलेश यादव पूरा दमखम लगाए हुए हैं। हालांकि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन हुआ है इनसे जो राज्य है बीच तालमेल सही नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन कवायद ये लगाई जा रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इनका तालमेल बैठे और इंडिया गठबंधन से ये 2024 में चुनाव लड़े। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बात यहाँ पर जो इनके परिवार की है, जो इनके पिता की है, तो मुलायम सिंह यादव की है। तो मुलायम सिंह यादव ने अपने जो पुण्यतिथि के मौके पर इनका जो जीवन था, जो संघर्ष था, उसको लेकर जो अखिलेश यादव है तमाम उस पर राह पर चल तो रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा आने वाले समय में जो चुनाव आने वाला है 2024 और जो राज्यों के चुनाव है उसमें देखना यह होगा कि अखिलेश यादव का कितना पल्ला भारी रहता है और कितना पल्ला झुकता है
ये तो अगले वाले वक्त ही बताएगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के अंबिका चौधरी जुड़ चुके हैं। अंबिका जी, देखिए दिवंगत मुलायम सिंह यादव की याद में स्मारक बनेगा और अखिलेश यादव ने इस स्मारक का शिलान्यास किया है, इस स्मारक के जरिए क्या कुछ संदेश देने का प्रयास है आज कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को? आज इस स्मारक का शिलान्यास हुआ है जी, धरती पुत्र माननीय नेताजी के की स्मृति में जो स्मारक बन रहा है, यह देश में और दुनिया में अपनी तरह का एक अनोखा स्मारक होगा। और इसमें इससे सब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नेताजी के जीवन से जुड़े प्रसंगों को अगली पीढ़ियों तक, अगले सैकड़ों हजार सालों तक लोगों के बीच में ये पहुंचती रहे, इसी उद्देश्य से इस स्मारक का निर्माण हो रहा है। और इसमें नेताजी के जीवन काल में जो उनके संघर्षों से जुड़े प्रसंग हैं और जो जिस प्रकार उन्होंने जो ऊंचाइयां राजनीति में हासिल की, और उससे बड़ी बात कि जिन लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, जिस बदलाव के लिए सारा जीवन माननीय नेताजी ने संघर्ष किया और उनको हासिल किया, उसको अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक प्रयास होगा। और तीर्थ की तरह से लोग इस स्मारक पर आने का काम करेंगे अगले वर्षों में। बिल्कुल, लेकिन देखिए अंबिका चौधरी, अभी आपने जिक्र किया कि मुलायम सिंह यादव का सपना था कि समाज में एकता रहे, समाज में सौहार्द रहे, शांति रहे, लेकिन क्या आप आज के समाज को देख के जो उनकी सोच थी, क्या वो वाकई साकार होती हुई नजर आती है क्या आपको? देखिए, वो सोच, उस सोच को जो लोग चोट पहुंचा रहे हैं, वो लोग सिर्फ नेताजी की सोच को चोट नहीं पहुंचा रहे, वो लोग तो इस देश को ही चोट पहुंचा रहे हैं, देश की संस्कृति को चोट पहुंचा रहे हैं, देश की एकता को चोट पहुंचा रहे हैं, और उन्हीं से हमारी लड़ाई है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अंबिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर यूपी से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को बैन कर दिया था। इस मामले को लेकर भाजपा नेता संगीत सोम का कहना है कि मीट तो हलाल का सुना जाता था, उसके लिए एक कमेटी बनी हुई थी जो सर्टिफाई करती है और वो मीट विदेश में चला जाता है, लेकिन हलाल की चीनी, हलाल का गुड़, मसाले और ऐसे तमाम प्रोडक्ट हलाल का सर्टिफिकेट लगाकर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। संगीत सोम ने आगे कहा कि इसको बनाने वाले कौन है और इसको बेचने वाले आखिर कौन है। देश के 20 से 22 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ हलाल का बैच देखकर ही प्रोडक्ट को खरीदते हैं और ये एक आतंकवाद है और जिहाद है, ये बंद होना चाहिए, इसे केवल और केवल मुस्लिम समाज के लोग बना रहे हैं और वही लोग इसको आगे बेच भी रहे हैं, लोग इसको खरीद रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। वही उन्होंने दावा किया है कि इसकी जांच के बाद कई बड़े और अहम खुलासे होंगे। देखिए, आप लोगों ने भी सुना होगा, एक मीट तो हलाल सुना जाता था कि ये हलाल मीट है, ये है, और उसके लिए एक कमेटी बनी हुई थी, वो उसे सर्टिफाइड करती थी और वो विदेशों में चला जाता था। लेकिन हलाल चीनी, हलाल गुड़, हलाल मसाला, हलाल हर चीज, ये जिहाद है साहब, यही जिहाद है। आप देखिए, उसे बनाने वाले कौन है, उसे पैक करने वाले कौन है, उसे बेचने वाले कौन है और उसे खरीदने वाले कौन है। देश के 20 से 22 करोड़ लोग केवल एक ही प्रोडक्ट है जिसे यूज कर रहे हैं, वो केवल हलाल है, ये जिहाद है, ये आतंकवाद है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां मंडलायुक्त रोशन जैकब ने बचत भवन में जन सुनवाई के दौरान लगभग 400 से ज्यादा शिकायतें सुनी हैं। इस दौरान मंडलायुक्त ने ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया और जिन मामले में प्रकरण कोर्ट में लंबित था उसे छोड़कर अन्य शिकायतों का तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्होंने पत्रावलियां तक तलब कराए हैं। वहीं मंडलायुक्त ने कहा कि इस जन सुनवाई का उद्देश्य है कि आम व्यक्ति की समस्या का निराकरण उसी के जनपद में तुरंत हो। मंडलायुक्त ने इस दौरान जमीनी विवाद और भूमि विवाद से जुड़े मामलों में मारपीट जैसी नौबत न आए, इसके लिए उन्होंने थाना दिवस को ज्यादा प्रभावी बनाने पर बल दिया है। जैसे अब पिछले बार की शिकायतों में जो पलट के आज भी आए होंगे, कुछ तो सरकारी जमीन पे कब्जे की भी बातें हैं, तो वो उसके लिए मैंने निर्देश दिया कि आज ही आज टीम्स बनाकर मौके पर उसको देख ले, मतलब कल शाम से ज्यादा देर ना हो, क्योंकि पार्टी आया है, अभी भी कब्जा नहीं हटा है, या समाधान हो सकता था और नहीं हुआ,
इसका मतलब है तत्काल उसकी समाधान हो जाए। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत जिला मलखान सिंह महिला अस्पताल का है, जहां नगला मसाने स्थित महिला प्रसव के लिए पहुंची थी और डॉक्टर के अनुसार जिस वक्त महिला पहुंची थी उस वक्त महिला के पास उचित जांच दस्तावेज नहीं थे, इसलिए डॉक्टर ने पहले महिला को परिजनों को जांच करने के लिए बोला गया, जिसके बाद डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन किया और महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। जन्म के दौरान बच्ची स्वस्थ थी, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई और बच्ची की मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने डॉक्टर्स पर आरोप लगाए और बीजेपी के नेताओं ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद डॉक्टर्स की मांग है कि उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए, क्योंकि इस मामले में डॉक्टर की कहीं भी कोई गलती नहीं पाएगी, जिसके बाद से डॉक्टर धरने पर बैठे हुए हैं। कल 6:20 पर हमारे यहाँ एक पेशेंट कुमकुम, वाइफ ऑफ राहुल, रेजिडेंट ऑफ नगला मसानी, यहाँ पे प्रसव के लिए आई थी, जो कि फुल पोस्ट रेटेड प्रेगनेंसी थी और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, साथ में निकोनियम बच्चा पास कर चुका था और इनके पास कोई जाँच नहीं थी, इसके लिए इनको 8 बजे जाँच लिखी गई और 9:30 बजे तक वो जाँच हमारे पास अवेलेबल हुई और उसके बाद फिर जैसे ब्लड अरेंज हुआ है 11 बजे के लगभग फ़ौरन उनका सीजर हुआ और उसमें बच्चा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ था, बच्चे में कुछ जो है जन्मजात बीमारियाँ भी थी, तब भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया उसको रिसस्टेट करने का और फाइनली वी हैव लॉस्ट द चाइल्ड एट अराउंड 2:20 PM। अगली खबर संबल से है, जहां लगातार पत्रकारों का कहना है कि प्रदेश में योगी सरकार होने की वजह से पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। लगातार संबल में पत्रकारों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से पत्रकारों को जान माल का खतरा लगातार बना है। वहीं बीते कई दिनों से संबल के थाना हयात नगर क्षेत्र के रसूलपुर मार्ग पर पत्रकारों पर जानलेवा हमला हो रहा है, जिसके बाद पत्रकार सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि बीती शाम भी एक पत्रकार पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आयोजित यूपी आईएपी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस पेडिकॉन 2023 में आईपी आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जैन को बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड दिया गया है। वहीं इस साल हुए यूपी के भारतीय शिशु एकेडमी के प्रादेशिक चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे और डॉक्टर आर एन द्विवेदी, डॉक्टर राजीव कृषक, डॉक्टर संजय सक्सेना को कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुना गया है। यूपी पेडिकॉन का आयोजन जिम कॉर्बेट में हुआ था, वहाँ सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आगरा के आईएपी और आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें आगरा के लिए बड़े गौरव की बात है कि इतने सारे प्राइज मिले और सारे फैकल्टी, मतलब ऐसा ही कोई शहर होगा जिसमें इतने ज़्यादा फैकल्टी किसी कॉन्फ्रेंस में हों। इसके साथ साथ हमारे लिए एक सबसे बड़े गौरव की बात ये भी है कि हमारे जूनियर रेजिडेंट को, सीनियर रेजिडेंट को जो है प्रोफेसर आर एस दयाल इन नियोनेटोलॉजी का अवार्ड दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।